हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षा नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम अपना ओबीजी का टॉपिक ले रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? फिटल सर्कुलेशन। फिटल सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट स्टूडेंट्स को थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लगता है, ठीक है। इसको समझने में कुछ दिक्कत आती है कुछ इसमें, तो इसको एक आसान तरीके से किस तरह से समझा जा सकता है, इसके लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है। आशा करती हूँ कि आप इसे अच्छे से समझ सकेंगे। तो फिटल सर्कुलेशन को स्टार्ट करने से पहले हम प्लेसेंटा पे आ जाते हैं, क्योंकि प्लेसेंटा ही एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। अगर फिटस की एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करें तो वो कहाँ होती है? प्लेसेंटा के अंदर होती है। प्लेसेंटा के अंदर जहाँ विलाय सिस्टम होता है, वहीं पे हमारा जो फिटल सर्कुलेशन होता है, वहीं पे जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन का और जो कार्बन डाइऑक्साइड का, जो CO2 है वो कहाँ चली जाती है? प्लेसेंटा से मदर्स ब्लड में चली जाती है, और जो ऑक्सीजन है वो हमारा किस तरफ आ जाता है? प्लेसेंटा में फिर फिटस को सप्लाई करता है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हमारा मदर से आ चुका है अम्बिलिकल वेन्स के अंदर, ठीक है, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया। उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में एंटर करता है? अम्बिलिकल वेन के अंदर। तो अम्बिलिकल वेन के अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कौन सा होता है? हमारा 100%, हमारा 100% ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आ गया। अब अम्बिलिकल वेन है किस तरफ जाती है? वो एंटर करती है, एंटर्स इन लेफ्ट लोब ऑफ लीवर एंड सप्लाईज द लीवर। अम्बिलिकल वेन ने फिर जो फिटस का जो लीवर है वहाँ पे वो एंटर करेगी और फिर लीवर को सप्लाई करेगी। जो फर्स्ट जो 100% जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो वो कहाँ आया? सबसे पहले वो हमारा लीवर में आता है, सबसे पहले लीवर को ऑक्सीजनेट करती है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई करेगी। अब लीवर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देने के बाद फिर उसके बाद वहाँ उस ब्लड के अंदर, मीन्स अम्बिलिकल वेन के अंदर, पोर्टल वेन से भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो रिसीव कर लेती है। इधर से अम्बिलिकल वेन आई तो उधर से पोर्टल जो वेन है उसने भी इसके अंदर एंटर कर लिया। तो इस जो जहाँ पे वो दोनों कनेक्ट हुई, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना, इस पॉइंट को हम बोलते हैं डक्टस वेनोसस। तो यहाँ पे ये किसका फॉर्मेशन हुआ? डक्टस वेनोसस का फॉर्मेशन हुआ। डक्टस विनोसस का मतलब ही क्या है डक्टस वर्ड का? कि दो जो है वेन्स एक साथ मिल गई, फ्रॉम वेन टू वेन। यहाँ पे भी अम्बिलिकल जो है पोर्टल वेन का जो ब्लड है वो किस में चला गया? अम्बिलिकल वेन के अंदर के साथ मिक्स हो गया, तो किसका फॉर्मेशन हुआ? डक्टस विनोसस। अब डक्टस विनोसस का जो ब्लड है वो कहाँ पे, वो जाके किस में मिल जाता है? इन्फीरियर वेना केवा के अंदर। जो इन्फीरियर वेना केवा कहाँ? राइट एट्रियम में एंटर करती है बाद में। तो इन्फीरियर वेना के अंदर हमारा जो ब्लड आ चुका है, अब यहाँ पे जो ब्लड आया है डक्टस वेनोसस के बाद वो हमारा 100% ऑक्सीजनेटेड नहीं रहता है, क्योंकि कुछ जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पोर्टल वेन से भी एंटर कर चुका है। और जो इन्फीरियर वेना केवा में कुछ अमाउंट तो यहाँ से आया, डक्टस वेनोसस के थ्रू आया है, अम्बिलिकल वेन का, पोर्टल वेन का, और कुछ ब्लड है कहाँ से आएगा? राइट हिपेटिक वेन से भी, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो भी इन्फीरियर वेना केवा के अंदर आ जाता है। जो टर्मिनल जो पार्ट होता है इन्फीरियर वेना केवा का, वहाँ पे जो है राइट हिपेटिक वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पे आ जाता है, एंटर कर जाता है। अब दूसरा और कहाँ कहाँ से आएगा वो हम पहले हम देख लेते हैं। इन्फीरियर वेना केवा की बात कर लें तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड है राइट हिपेटिक वेन से आया है, और जो थर्ड आता है वो आता है वीनस ब्लड फ्रॉम कोडल पार्ट ऑफ फीटस। ठीक है, जो फीटस का जो कोडल पार्ट होता है, नीचे का पार्ट होता है, वहाँ से भी तो ब्लड आएगा। इन्फीरियर वेना केवा की बात करें तो इन्फीरियर वेना का जो मे के अंदर जो ब्लड कहाँ से आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो हमारा कोडल पार्ट ऑफ फीटस से आता है। तो हमने इन्फीरियर वेना केवा की बात कर ली, तो तीन जगह से इसने ब्लड इकट्ठा कर लिया। अब जो राइट एट्रियम की बात करें तो राइट एट्रियम में अकेली इन्फीरियर वेना केवा नहीं एंटर करती, उसके साथ दूसरी के कौन से एंटर करती है? सुपीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर वेना केवा में कहाँ से ब्लड आता है? वीनस ब्लड फ्रॉम सिफेलिक पार्ट ऑफ फिटस। जो फिटस का जो सिफेलिक पार्ट है वहाँ पे, वहाँ से जो ब्लड होता है वो किस में जाएगा? सुपीरियर वेना केवा के अंदर। तो हमने इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा दोनों की बात कर ली, दोनों में कहाँ से ब्लड आएगा वो आपको पता चल गया। अब इन्फीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा दोनों एंटर करती हैं किसके अंदर? राइट एट्रियम के अंदर।
तो दोनों ने एंटर कर लिया राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम में ब्लड आ चुका है दोनों का। अब इसमें जो ब्लड होगा पूरे राइट एट्रियम की बात करें तो हम 100% मान सकते हैं कि पूरा 100% हमारा राइट एट्रियम में ब्लड अब मिल चुका है। अब इसका 100% का जो कुछ पार्ट है वो कैसे डिवाइड होता है, कुछ पार्ट तो 75% जो पार्ट है वो हमारा लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है और जो 25% है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। अब आप बोलोगे कि राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में कैसे चला जाता है, तो फीटस के बात करें तो फीटस हार्ट के अंदर जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में एक ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं फोरामेन ओवल। तो फोरामेन ओवल के थ्रू ही जो 75% है ब्लड राइट एट्रियम का वो किस में चला जाता है, इधर लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है, और जो 25% है वो हमारा राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाता है। तो इस तरह से राइट एट्रियम का ब्लड है थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यहाँ पे। अब हम पहले अपने जो इसके 75% ब्लड है उसकी बात कर लेते हैं कि 75% जो ब्लड है लेफ्ट एट्रियम में गया वो कैसे वेंट्रिकल तक पहुँचता है, फिर हम बारी बारी से इसको यहाँ इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो 75% है जो लेफ्ट एट्रियम में गया ब्लड, 75% ऑफ ब्लड पासिस टू लेफ्ट एट्रियम थ्रू फोरामेन ओवल। इतना हमने देख लिया कि फोरामेन ओवल के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा है, मगर ये जो 75% ऑफ ब्लड होता है वो वेल ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन की जो कंटेंट है वो ज़्यादा होता है, और लेफ्ट एट्रियम के पहुंचने के बाद और जैसे ही एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुए, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हुए लेफ्ट एट्रियम से किस में जाएगा ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर जाएगा। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से के बाद जो ब्लड है वो किस में जाएगा, अयोटा। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलते हैं, कौन से अयोटा वहाँ से निकलती है। अब अयोटा तक हम स्टॉप कर लेते हैं, इधर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 25% है जो लेफ्ट राइट एट्रियम है, तो राइट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ से जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल जो ये 25% जो ब्लड होता है वो लेस O2 कंटेंट होता है, इसमें जो O2 कंटेंट है वो लेस होता है, और जो 75 इधर चला जाता है वो ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड होता है। तो लेफ्ट जो 25% का जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में जाएगा जब जो राइट एट्रियम है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि राइट एट्रियम और जो लेफ्ट एट्रियम वो एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लेफ्ट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, और जो राइट एट्रियम का जो ब्लड है वो किस में, राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल से कौन क्या अराइज हो गए, राइट वेंट्रिकल थ्रू ट्राइकस्पिड। यहाँ पे जो वेल्व होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड, और इधर क्या है, बाइकस्पिड, जिसको हम जो मिट्रल वेल्व भी बोलते हैं। तो ट्राइकस्पिड वेल्व की हेल्प से के थ्रू वो राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल से क्या निकलती है, पल्मोनरी ट्रंक, और इधर से हमारी अयोटा, इधर से निकलेगी हमारी पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी आर्टरी, और इधर हमारी अयोटा निकलती है। अब हम दोनों के बात हो गई, हम यहाँ तक पहुँच गए पल्मोनरी ट्रंक और इधर हमारी अयोटा। अब अयोटा क्या करती है कि अयोटा जैसे यहाँ से निकली यहाँ पे, तो ये इस तरह से जाती है ऊपर की तरफ। जब ये ऊपर की तरफ जाती है इसको हम बोलते हैं असेंडिंग अयोटा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं असेंडिंग अयोटा, ठीक है। फिर से ड्रॉ कर देती हूँ एक बार। जब ये यहाँ से ऊपर असेंडिंग अयोटा, फिर इधर से ये एक आर्च की तरह ये घूम जाती है थोड़ा, ठीक है, और यहाँ पे ये इसकी ब्रांचेस होती हैं, तो यहाँ पे कि आर्च फॉर्म करती है, और आर्च फॉर्म होने के बाद ये नीचे की तरफ जाती है, और जब नीचे की तरफ जाती है इसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग अयोटा। तो ये हमारी असेंडिंग अयोटा है और ये हमारी डिसेंडिंग अयोटा है, और इधर हमारा जो है आर्च फॉर्म होती है। तो इस तरह से अयोटा जाती है। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से जैसे ही अयोटा निकली ऊपर की जाएगी असेंडिंग, फिर आर्च फॉर्म करेगी, फिर नीचे डिसेंडिंग अयोटा। अब आर्च फॉर्म होती है, तो आर्च ऑफ असेंडिंग
पार्ट एंड आर्च ऑफ एर्टा, ये डिस्ट्रीब्यूट द ब्लड टू हार्ट, नेक, हेड, ब्रेन और आर्म्स। तो यहाँ से जो ब्लड जब एंटर करता है तो आर्च के थ्रू जो इसकी ब्रांचेस हैं इसके थ्रू, ये तीन यहाँ पे होती हैं, तो इनके थ्रू कहाँ पे ब्लड चला जाता है, हार्ट को डिस्ट्रीब्यूट होगा, नेक को, हेड को, ब्रेन को और आर्म्स को, क्योंकि ये जो ब्लड क्या है वेल ऑक्सीजनेटेड है, ऑक्सीजन कंटेंट यहाँ पे ज़्यादा है, तो इन सारे पार्ट्स में ये ब्लड पहुँच जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। कौन कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है, असेंडिंग पार्ट और आर्च ऑफ एओर्टा, यहाँ पे जो अपर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके बाद जो रिमेनिंग, उसके बाद जो ब्लड है वो कहाँ पे जाएगा, डिसेंडिंग एओर्टा में। इधर से गया ब्लड, इधर सप्लाई किया पूरे पार्ट्स को उसने कर दिया, हार्ट को, नेक को, हेड को, ब्रेन को, आर्म्स को, फिर जो ब्लड है बाकी फिर कहाँ पे जाएगा, नीचे की तरफ, डिसेंडिंग एओर्टा में। तो डिसेंडिंग एओर्टा में ब्लड आ चुका है। अब डिसेंडिंग एओर्टा के बाद यहाँ पे हम फिर से स्टॉप कर लेते हैं, अब इधर बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकल के हम कहाँ पहुँच चुके हैं, हम डिसेंडिंग एओर्टा में पहुँच चुके हैं। अब राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड निकलेगा तो वो किसके थ्रू निकलेगा, वो हमारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू निकलेगा। अब पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से निकली है, उसका जो मोस्ट जो पार्ट है, ज़्यादातर पार्ट है, मोस्ट ऑफ द पार्ट पासिस टू डिसेंडिंग एओर्टा, और ये कैसे निकल पहुँचता है, थ्रू डक्टस आर्टरियोसिस। जो पल्मोनरी आर्टरी का जो ज़्यादातर जो पार्ट है वो कहाँ पे जाता है, वो डिसेंडिंग एओर्टा में जाता है। यहाँ से जैसे जो जैसे हमने इसकी बात की थी, वेनोसिस की बात की थी, कि अम्बिलिकल वेन और पोर्टल वेन के ब्लड को जब मिल जाता है, इकट्ठा हो जाता है, डक्टस वेनोसिस बनता है, वैसे ही जब हमारा पल्मोनरी आर्टरी का जो ब्लड है वो ज़्यादा मिक्स होता है डिसेंडिंग एओर्टा के पार्ट में, तब क्या फॉर्म होता है, डक्टस आर्टरियोसिस। यहाँ पर तो दो आर्टरी हैं वो मिक्स हो रही हैं, और यहाँ पे हमारी दो वेन मिक्स हो रही थी, यहाँ पे हम वेन की बात की थी, हम पोर्टल वेन और अम्बिलिकल वेन, और यहाँ पे किसकी, दो आर्टरी की, इसलिए हम डक्टस आर्टरियोसिस बोला था और इधर डक्टस वेनोसिस बोला था। तो यहाँ पे डक्टस आर्टरियोसिस फॉर्म होता है, बनती है जब पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड और डिसेंडिंग आर्टरी का जो ब्लड है वो एक साथ होता है। तो ये ब्लड किस में चला जाता है, डिसेंडिंग एओर्टा में, और जो इसका जो लेस अमाउंट है ब्लड, ज़्यादा पार्ट तो इधर गया, लेस अमाउंट ऑफ ब्लड वो किस में जाएगा, लंग्स के अंदर, और लंग्स के थ्रू, ठीक है, तो लंग्स के बाद तो कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी वेन। लंग्स के बाद जो लंग्स है हमारे, लंग्स के थ्रू तो पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन के थ्रू तो ब्लड फिर वापस किस में आ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और लेफ्ट एट्रियम के बाद फिर से ये जो है हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ये वाला जो ब्लड है, जो कुछ अमाउंट होता है ब्लड का, पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में वापस पहुंच जाता है, जो मोस्ट पार्ट है वो हमारा डिसेंडिंग एओर्टा में पहुंच गया। अब डिसेंडिंग एओर्टा में तो दोनों तरफ का मिल गया है, इधर से हमारा ये किसका था, लेफ्ट वेंट्रिकल का था और ये राइट का, तो दोनों का जो ब्लड है वो डिसेंडिंग एओर्टा में आ गया। इस तरह से यहाँ पे जो शंटिंग होती है वो लंग को शंट करके किया जाता है। तो डिसेंडिंग एओर्टा का फिर ब्लड फिर किस में जाएगा, इंटरनल इलियक आर्टरीज के अंदर चला जाता है, इलियक आर्टरीज, इंटरनल इलियक आर्टरीज में ब्लड पहुँच कर फिर वहाँ से किस में जाता है, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज। दो हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज होती हैं, बनती हैं इंटरनल इलियक आर्टरी से, तो दो हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज में ब्लड जाएगा। फिर ये जो दो हाइपोगैस्ट्रिक जो आर्टरीज होती हैं, ये किस में, ये क्या बन जाती है, इट बिकम्स टू अम्बिलिकल आर्टरीज व्हेन एंटर्स द अम्बिलिकल कोड। जब ये दो अम्बिलिकल हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरीज अम्बिलिकल कोड में एंटर करती हैं तो ये दो अम्बिलिकल आर्टरीज में बन जाते हैं। और जो फिर यहाँ पे जो ब्लड, जो अम्बिलिकल आर्टरीज में यहाँ पे जो ब्लड होता है वो कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और अम्बिलिकल आर्टरीज में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर अम्बिलिकल आर्टरीज किस में जाती हैं, प्लेसेंटा के अंदर। तो अम्बिलिकल जो वेन है वहाँ पे क्या, कौन सा ब्लड था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और अम्बिलिकल आर्टरीज की बात करें यहाँ पे हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस तरह से जो अम्बिलिकल आर्टरीज है वापस प्लेसेंटा के अंदर पहुँच जाती है, और इस तरह से ये प्रोसेस पूरा चलता रहता है जब तक जो फिटस लाइफ कंटिन्यू रहती है। तो ये हमारा जो है फिटल सर्कुलेशन हमने पढ़ लिया, हमने अम्बिलिकल वेन से स्टार्ट की थी, अम्बिलिकल वेन से बस जो ब्लड है ट्रैवल होता होता हमारा लीवर पे गया, लीवर में हार्ट, हार्ट से फिर वापस से किस में आ गया, प्लेसेंटा में, अम्बिलिकल आर्टरीज बनी, फिर प्लेसेंटा हमने कर लिया है। तो इस तरह से जो ब्लड है तो लंग को यहाँ पे
लंग हमारा जो है इनएक्टिव फॉर्म में होता है, तो लंग को यहाँ पे के ऊपर कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं होता, जो मोस्ट पार्ट है वो हमारा डक्टस आर्टियोसिस से डिसेंडिंग ओटाई में चला जाता है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, लंग का हमारा बाईपास कर देता है। और इधर सेम ऐसे ही जैसे ये फोरामेन ओवल में जा फोरामेन ओवल से लेफ्ट एट्रियम में ब्लड जाता है, तो यहाँ पे भी जो है जो फोरामेन ओवल क्या कर रहा है, लंग को बाईपास कर रहा है। और इधर डक्टस आर्टियोसिस है ये बाईपास करता है, और इस डक्टस वेनोसिस है वो लीवर को बाईपास करता है। तो इस तरह से हमने बाईपास एक तरह का जो सर्कुलेशन है वो देखा कि किस तरह से बाईपास जो बनते हैं और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है फिटस में किस तरह से जाता है, पास होता है। इसके बाद जो ये सब कंटिन्यू रहता है फिटल लाइफ में, और जैसे ही बर्थ होता है, बर्थ और बच्चा रिस्पायर करता है, सांस लेता है, ये तो सारा प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है। तो हमारा जो ये प्रोसेस है, ये जितने भी ये फंक्शनिंग है, फिटल सर्कुलेशन है, ये सारा स्टॉप हो जाता है। जैसे ही कब होता है, जब सिजेशन ऑफ प्लेसेंटल सर्कुलेशन, जब प्लेसेंटा के अंदर ब्लड फ्लो कम हो जाता है, रुक जाता है। और दूसरी वजह होती है जब रेस्पिरेशन स्टार्ट होती है। तो दो रीज़न के कारण, दो कारणों से तो हमारा ये जो फिटल सर्कुलेशन है ये एकदम से स्टॉप हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, तो मैंने दो रीज़न बताए हैं यहाँ पे आपको, उन्हीं कारण से ये होता है। एक तो है, फर्स्ट तो है सिजेशन ऑफ प्लेसेंटा ब्लड फ्लो या फिर सर्कुलेशन ब्लड फ्लो, और दूसरा है हमारा इनिशिएशन ऑफ रेस्पिरेशन। अब ये कैसा होता है कि जैसे बर्थ हुआ, बच्चे ने सांस ली, बच्चे ने ब्रीथ किया, बच्चे ने सांस ली, तो क्या होगा कि जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल से निकल के किस में जाएगा, लंग्स में पहुंच जाएगा, और लंग्स में फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू किस में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में। और लेफ्ट एट्रियम में तो ब्लड पहुंच चुका है, बट जो इसके कारण प्लेसेंटा का जो ब्लड फ्लो है वो सीज हो गया है, क्योंकि बर्थ हो गया, प्लेसेंटा को कट कर दिया गया है, हटा दिया है फीटस से, अलग हो गया है बच्चे से, तो अम्बिलिकल कॉर्ड कट कर देते हैं, तो प्लेसेंटा अलग हो गया, तो ब्लड फ्लो वहाँ पे क्या हो गया, रुक गया। सजेशन ऑफ प्लेसेंटा ब्लड फ्लो, ब्लड फ्लो रुक गया, तो अम्बिलिकल वेन से जो है जो राइट एट्रियम में ब्लड आना बंद हो जाएगा। तो इधर ब्लड तो हमें मिला नहीं है, बट जैसे ही बच्चे ने ब्रीथ किया, सांस ली, तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से निकलता हुआ किस में चला गया, लंग्स में, और लंग्स से फिर किस में आ गया, लेफ्ट एट्रियम में पहुँच गया। तो इधर जो प्रेशर है, इधर तो जो है ब्लड का ब्लड ज़्यादा है, और इधर क्या है हमारा कम है। तो इधर प्रेशर जो लेफ्ट एट्रियम में जो प्रेशर है, लेफ्ट साइड है वो प्रेशर ज़्यादा है, और राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल में प्रेशर कम है। तो इसकी वजह से जो ये फोरामेन ओवल है ये क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, क्योंकि इधर ब्लड नहीं है और इधर प्रेशर ज़्यादा है, ब्लड ज़्यादा है तो इसकी कंसेंट्रेशन ज़्यादा है, तो यह क्या हो जाएगा, तो ये फोरामेन ओवल है ये कोलैप्स हो जाएगा। और फिर फोरामेन ओवल कोलैप्स हो गया, इसी के साथ जैसे प्लेसेंटा का ब्लड फ्लो कम हो गया, रुक गया, स्टॉप हो गया, तो क्या होगा, अम्बिलिकल जो वेन है वो भी कोलैप्स कर जाएंगी, डक्टस विनोसस है वो भी कोलैप्स कर जाएगा, और इसी तरह से हमारा जो डक्टस आर्टियोसिस है ये भी कोलैप्स कर जाएंगे। तो इस तरह से सारे फंक्शन स्टॉप हो जाते हैं जैसे ही बच्चा ब्रीथ करता है, सांस लेता है। अब उसके बाद क्या होता है, इन सारे स्ट्रक्चर्स का क्या होता है, ये सारे हमारे जो है रेमिनेंट्स में रह जाते हैं, मीन्स इनका अम्बिलिकल वेन की बात करते हैं, अम्बिलिकल वेन कुछ टाइम के बाद स्टॉप होती है, कुछ टाइम के बाद मीन्स अम्बिलिकल आर्टरी के थोड़ी देर बाद ही स्टॉप होती है बर्थ होने के बाद। जैसे बेबी बर्थ होता है, बेबी का बर्थ होता है, तो अम्बिलिकल जो वेन है अम्बिलिकल आर्टरी के कुछ टाइम के बाद कोलैप्स करती है, ताकि जो उसके अंदर 80-100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड बचा हुआ है वो बेबी तक प्लेसेंटा के थ्रू पहुँच जाए। इसलिए जो अम्बिलिकल वेन है वो अम्बिलिकल आर्टरी के कुछ टाइम बाद ही कोलैप्स करती है, और अम्बिलिकल आर्टरी ही इमिजिएटली कोलैप्स कर जाती है। और इसके बाद अम्बिलिकल वेन की बात हो गई, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो हमारा है डक्टस वेनोसस। डक्टस वेनोसस है वो इंस्टेंट एकदम से बंद हो जाता है, इंस्टेंट कोलैप्स करता है, या फिर इसको हम कह सकते हैं विद इन 5 मिनट्स भी ये कोलैप्स करता है। वो हमारा जो अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉर्ड कट करते ही ये है, तो डक्टस वेनोसस है वो एकदम से इंस्टेंटली बर्थ होते ही ये कोलैप्स कर जाता है। और अगर हम इसकी ये हमारा फंक्शनल जो है उसकी बात कर रहे हैं, ये हमने क्या किया,
फंक्शनल क्लोजर की बात की। जो फंक्शनल क्लोजर है वो तो हमारा इंस्टेंट होता है, एकदम बर्थ होती है। और एनाटॉमिकल क्लोजर की बात करें, तो एनाटॉमिकल क्लोजर ये इसलिए 7 डेज तक, मीन्स बर्थ के 7 डेज तक ये हमारा जो है जो एनाटॉमिकली रहता है, प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसको हम क्या बोलते हैं, रेमिनेंट फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके बाद हम इसको बोलते हैं लिगामेंटम वेनोसम। इसको हम क्या बोलेंगे, लिगामेंटम वेनोसम। जो रेमिनेंट फॉर्म में कैसे रहता है, ये लिगामेंटम वेनोसम, ठीक है। फंक्शनल क्लोजर इंस्टेंट बंद होता है, एकदम से बंद होता है, और एनाटॉमिकल क्लोजर विद इन 7 डेज के अंदर ये बंद हो जाता है, क्लोज होता है। और इसको हम जो रेमिनेंट फॉर्म इसका क्या है, लिगामेंटम वेनोसम। और अम्बिलिकल वेन का जो रेमिनेंट फॉर्म है इसको हम बोलते हैं लिगामेंटम टेरिस, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि अम्बिलिकल वेन का जो रेमिनेंट फॉर्म है उसको क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, लिगामेंटम टेरिस, डक्टस वेनस, उसको हम लिगामेंटम वेनोसम बोलते हैं। अब हमारी फोरामेन ओवेल की बात आती है। फोरामेन ओवेल है, इसका भी अब कुछ काम नहीं रहता, ठीक है। तो ये हमारा जो एनाटॉमिकल जो इसका फंक्शनल जो क्लोजर है वो तो हमारा इंस्टेंट होता है, ये भी एकदम से कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि जैसे अभी मैंने स्ट्रक्चर बताया कि इधर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और इधर कम हो जाता है, इसकी वजह से ये क्या है, कोलैप्स कर जाता है, इसका कोई फंक्शन नहीं बचता। तो ये विद इन 5 मिनट्स या फिर इंस्टेंट क्लोजिंग हम इसको बोल सकते हैं फंक्शनल क्लोजर। एनाटॉमिकल क्लोजर की बात करें तो एनाटॉमिकल क्लोजर ये विद इन 1 ईयर होता है। तो एनाटॉमिकल क्लोजर अगर कोई आपसे पूछे तो फोरामेन ओवल का, तो 1 ईयर के अंदर ये एनाटॉमिकल क्लोज होता है। और इसका जो रेमिनेंट फॉर्म है उसको हम क्या बोलते हैं, फोसा ओवेलिस, ये आपको याद करना है, फोसा ओवेलिस, ये हमारे रेमिनेंट जो है स्ट्रक्चर उनकी बात हो रही है। उसके बाद हमारे फोरामेन ओवल के बाद हम बात कर लेते हैं डक्टस आर्टियोसिस। डक्टस आर्टियोसिस है जो, ये हमारा जो फंक्शनल क्लोजर है ये भी सेम वैसा ही कि इंस्टेंट क्लोज होता है, एकदम से ही कट करते ही, ये है डक्टस आर्टियोसिस। जो इसका जो फंक्शनल जो क्लोजर है एकदम से हो जाता है, फंक्शन करना बंद कर देता है। और एनाटॉमिकल अगर क्लोजर की बात करें तो 1 to 3 months के अंदर इसका एनाटॉमिकल क्लोजर होता है। और रेमिनेंट की बात करें तो इसका जो रेमिनेंट स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं लिगामेंटम आर्टियोसम। इसको हम क्या बोलेंगे, लिगामेंटम आर्टियोसम, इधर डक्टस विनोसस को लिगामेंटम वेनोसम और डक्टस आर्टियोसिस को लिगामेंटम आर्टियोसिस। एनाटॉमिकल क्लोजर 1 to 3 months और फंक्शनल इंस्टेंट आफ्टर बर्थ ये क्लोज हो जाता है। अब उसके बाद हमारा बचता है अम्बिलिकल आर्टरीज। अम्बिलिकल जो आर्टरीज हैं वो एकदम से क्लोज होती हैं और वेन बाद में होती हैं, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है। अम्बिलिकल जो आर्टरीज है इसका जो क्लोजर की बात करें तो फंक्शनल जो क्लोजर है इंस्टेंट होता है, और एनाटॉमिकल क्लोजर विद इन 2 to 3 months होता है, किसका, अम्बिलिकल आर्टरी का। तो ये सारे हमारे फंक्शनल और एनाटॉमिकल क्लोजर की बात कर रही, उनके रेमिनेंस को हम क्या बोलते हैं उसकी बात कर ले। आई होप आपको समझ में आया होगा। अम्बिलिकल, मैं रिपीट कर देती हूँ, अम्बिलिकल वेन लिगामेंटम टेरिस, डक्टस विनोसस लिगामेंटम वेनोसम, और फोरामेन ओवल फोसा ओवेलिस, इसके बाद डक्टस आर्टियोसिस लिगामेंटम आर्टियोसम। जो फोरामेन ओवल है 1 ईयर के अंदर होता है ख़त्म, सॉरी इसका जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर 1 ईयर के अंदर क्लोज होता है, और जो डक्टस विनोसस है ये विद इन 7 डेज होता है। बाकी आर्टियोसम 1 to 3 months में इसका जो एनाटॉमिकल क्लोज होता है, और अम्बिलिकल आर्टरी की बात करें तो ये हमारी 2 to 3 months के अंदर एनाटॉमिकली क्लोज होती है। फंक्शनल जो क्लोजर है वो सभी का इंस्टेंट होता है, इमीडिएटली होता है, बट जो अम्बिलिकल वेन है वो अम्बिलिकल आर्टरी के कुछ टाइम बाद होती है क्लोज, ताकि उसके अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिट्रस तक पहुँच जाए, फिट्रस वहाँ से ले लें। तो ये हमारी फिट्रल सर्कुलेशन की बात होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, डिटेल्स हमने पढ़ लिया, फ्लो चार्ट की मदद से पढ़ लिया। फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, और बाकी अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो आज का टॉपिक यहीं तक। थैंक यू सो मच।